अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे, आजकल लोगों को समझ में नहीं था, तकरार करते, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है, आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं, पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहां बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे, वो कह रहे थे भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। और आज देखेंगे तो मूर्धन्य अपने देश के जिस क्षेत्र में जितने व्यक्ति है, लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े। ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी, अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी और केवल मांग करने से होगा? मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं, क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? शिक्षा नीति में, और हम कहते हैं संस्कार आजकल नहीं मिलते, संस्कार आने चाहिए, सुसंस्कृत देशभक्त नागरिक बनने चाहिए, लेकिन अपने पाल्यों को स्कूल में भेजते समय हम क्या बताते हैं? ऐसा पढ़ो कि अधिक कमाओगे ऐसा बताते हैं, कि ऐसा पढ़ो कि देश के उत्तम नागरिक बनोगे ऐसा बताते हैं? पाल्यों को अगर हम ये मंत्र देकर भेज रहे कि कुछ भी करके अधिक कमाने वाली डिग्री लो, तुमको उस डिग्री का ज्ञान लेने की इच्छा हो ना हो, मन के विरुद्ध पैसा 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 ऐसा होने के लिए तुमको वही करना चाहिए, जब तक ये अभिभावक पढ़ाते तब तक छात्र कैसे देशभक्त सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे? वो तो पैसा कमाने वाली मशीन ही बनना चाहेंगे।